उसकी किडनी में मार्बल है। हमारे वार्ड बॉय है और किडनी में मार्बल नहीं स्टोन होता है। तो मार्बल स्टोन नहीं होता है क्या? तुझे तो कुछ भी नहीं आता है, सब डोबी छडोबी। तुझे किसने डॉक्टर बनाया है? मिसेस ठक्कर, क्या कर रही हैं यहाँ पे आप? इस हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आज तक रेस्टिगेट नहीं हुआ है मिसेस ठक्कर, पर आज होगा। अगर आप अभी चुपचाप जाकर अपने कमरे में नहीं सोई तो मैं आपको रेस्टिगेट कर दूंगी। नाउ नो मोर। ए मेरा मेरा ले कमल है, तूने मोर बोला और मोर का फोन आया। मोर? मेरा हस्बैंड। एक मिनट। हाँ महेंद्र। अरे हम तो धन्य हो गए, क्या ससुराल मिला है हमारी बेटी को। अन्ना भाई और ज्योत्सना भाभी का प्यार देखकर ना मुझे तो रोना आ रहा है। एक मिनट महेंद्र, पॉज, मैं स्पीकर पे डालती हूँ, एक मिनट रोना मत। हाँ अभी रोइए। देखा, तू मान नहीं रही थी ना, है ना मस्त मोर। फंसा है ना, अभी हंस रही हो ना? जिद हो गई पूरी। चलो अभी खाना खा लो। पता है मुझे खाया नहीं है तुमने। आपने भी कहाँ खाया है? अभी खाऊंगा ना तुम्हारे साथ में, है? तो ये पहला निवाला तुम्हारा, फिर दूसरा मेरा। उर्मिला वहिनी, महेंद्र बहू, इस घर की होने वाली बहू और बिस्किट का गोखले सदन में स्वागत है। वहिनी, ये स्वागत है, मैं खाने का इशारा कैसे? ये खाने का नहीं, ये स्वागत का इशारा था। बाजू की गली में स्वागत होटल है ना, तो हुआ ना ये स्वागत का इशारा। हाँ हाँ, अरे भारती, समझ गए स्वागत का इशारे का मतलब, समझ गए। महेंद्र भाव, उर्मिला बहन, आप सब लोग इस घर को अपना घर समझ के ही रहे ना। हाँ, एकदम अन्ना भाई, ये भी कोई कहने की बात है? हम लोग इतना अपना समझ के रहेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि आप लोग हमारे घर में रह रहे। इतना भी नहीं। मींस के एकदम मजे से रहेंगे हम लोग। हाँ क्या प्रभाकर दादा, क्या बोले आप? वो तो तब तक जब तक इनका घर रिपेयर नहीं होता। अरे पता है उनको, ये परमानेंटली थोड़ी ना आए यहाँ रहने। प्रभाकर गाढ़ाओ। अन्ना, मैं कहा कुछ? गप बस। अच्छा अभी गायत्री, अभिषेक, देखो वैसे तो शादी से पहले एक छत के नीचे रहना योग्य नहीं है, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि रहना होगा। लेकिन आप दोनों को मेरी एक लाइन का खास ध्यान रखना होगा। कौन सी लाइन अन्ना? आपने कोई लाइन बोली नहीं। हाँ अंकल बोलिए। बोलूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। ये देखो, आ, आ। चलो अभी आ गए सब लोग। अभी देखो ये लाइन है ना, लाइन इसकी बात कर रहा था मैं। अभिषेक, लाइन के इस तरफ का क्षेत्र तेरा, और गायत्री, लाइन की उस तरफ का क्षेत्र तेरा। इस रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और इस नियम का पालन करना आवश्यक है। बिल्कुल अंकल, हम दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे। अरे तेरा तो पता है, तू बेटी है मेरी, भरोसा है तुझ पे, लेकिन ये हीरो है ना, उसे थोड़ा संभालना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो। हाँ।
अच्छा जोत बुझा बेन। अरे भगवान, कभी जोत जला कभी जोत बुझा, जोत्सना जोत्सना नाम है इनका, जोत्सना। हाँ भैया ही सेम हो वे, अभी जोत आया ना तो आप भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं खाल नहीं, मैं आपकी आदत निकाल के रहूंगा। अच्छा अभी तो यहाँ पे रहने वाले है ना आप लोग, तो मुझे बहुत मौके मिल जाएंगे। आहो मैं शांत ही हूँ, लेकिन क्या है ना, ये इनके भले के लिए कह रहा हूँ। सगाई में वो नाइक परिवार, उनकी बहू अंजलि, अंजलि को इन्होंने खुजली कह के बुलाया। संपूर्ण नायक परिवार बिना खाए सगाई से निकल गया। अच्छी बात नहीं है ना ये उर्मिला बहन। तो अन्ना भाई अब एक काम करना, आप उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना बर, और उनको यहाँ पे खाना खाने बुला लेना, मैं अपने हाथ से रसोई बनाकर खिला दूंगी प्रांजलि बेन को। हाँ प्रांजलि नहीं अंजलि। नहीं नहीं अभी ऐसा मत बोलना कि जली तो आता ही है, बाल निकालने हैं, ऐसा नहीं चलेगा, सही नाम बोलो अंजलि। अन्ना वो अंजलि गुजर गई। है गुजर गई? अभी तो अन्ना भाई ने बोला कि सगाई का खाना खाया भी नहीं, तो फिर कैसे गुजर गई? इसमें ये क्या? मैंने देखा वो नाराज होके सगाई में मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। अन्ना भाई नहीं आप टेंशन मत लीजिए, ये जोलजाल भाई को सुधारने की जवाबदारी मेरी बस। जोलजाल मस्त नाम है। अन्ना भाई कौन किसको सुधारेगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात पता है, साथ में रहने का मजा बहुत आएगा। तो हमारे इस सहजीवन के लिए बोलिए गणपति बाप्पा। बाप रे ये भारती इस घर की छत भी गिरा के रहेगी। अरे तो बहुत अच्छे डॉक्टर से बाप रे। अरे क्या हुआ अन्ना भाई, आप इतना डर क्यों रहे हैं? बिस्किट तो बच्चों के साथ खेल रहा है। नहीं नहीं मैं आपके बिस्किट से नहीं अपने बिस्किट से डर रहा हूँ। क्या है ना आपका बिस्किट अगर काटेगा तो 14-15 इंजेक्शन ले लूंगा तो बच जाऊंगा मैं, लेकिन मेरा बिस्किट वो अगर गाना बिना सुनाएगा तो उससे बचने के लिए आज तक कोई भी इंजेक्शन निकला नहीं है। मोटा भाई आप कुछ भी बोलते रहते हैं, बड़ा ही होनहार गीतकार है हमारा प्रभाकर, समंदर खारा होता है और क्या क्या लिखता है तू। महेंद्र बाबू एक नया गीत लिखा है। बाद में प्रभाकर बाद में, अभी अभी मैं और महेंद्र बाबू बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। आ जाओ महेंद्र बाबू बैठ जाओ, बहुत जरूरी बात है। तो महेंद्र बाबू मैं ये कह रहा था, ये बारिश कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी धूप निकल आती है इस देश में। प्रभाकर भी बातें कर रहे हैं आप। अरे प्रभाकर तू अपना गाना सुना। नहीं इरशाद। लोखंड की लगती है वाट, वाट में तेरी लगाऊंगा, जब लगता है उसको जंग। वाह। कुत्ता पागल होता है जब करता है कोई उसे तंग। ओए तो लोखंड का जंग पागल कुत्ता एक हुए, गाढ़ा रंग बैंगर भरता एक हुए। ओए होए तू यार किसी को जीने नहीं देगा। वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लीजिए चाय लीजिए। वाह गर्मा गर्म चाय। हमारे घर में कभी ठंडी चाय बनती है क्या? नहीं। तो ऐसा क्यों बोला कि गर्मा गर्म चाय? चाय गर्म ही बनती है ना हमेशा, कुछ भी बोलते रहता है आजकल कुछ भी। अभी वो रंग और जंग और तंग और पता नहीं मुझे तंग कर दिया इसने कुछ भी बोल बोल के। आहो मैं शांति हूँ। ओ अन्ना भाई जवा दो ना अबे। हाँ। महेंद्र मैं जरा नहा के आती हूँ। जल्दी आना, आई विल मिस यू। जाओ ना अबे। आओ ना अबे। ए ए प्रभाकर चाय क्या पी रहा है? उर्मिला बहन को बाथरूम दिखा जा अपना। नहीं नहीं वो सैफ अली खान करीना कपूर वो दोनों यहाँ महादेव पेट में रहने को आए हैं ना, उनका बाथरूम दिखा।
करीना को जाके बोल कि उनके बेटे तैमूर को बाथरूम से बाहर निकाले, उर्मिला बहन को नहाने जाना है। फिर करीना क्या बोलेगी पता है? ये मैं करीना, मैं अन्ना भाई सुन, करीना ऐसे बोलेगी, ये भी कोई पूछने की बात है उर्मिला? तेरा बाथरूम, मेरा बाथरूम, मेरा बाथरूम, तेरा बाथरूम, अपना बाथरूम, फेवरेट बाथरूम, तुम बाथरूम की फेवरेट, जितना मर्जी चाहे नहा लो, बाय गॉड पूरी टाकी खाली कर दो, नहीं नहीं टाकी नहीं, पूरा तालाब खाली कर दो, नहीं नहीं तालाब नहीं, पूरा समंदर खाली कर दो, आराम से नहाओ, बाय गॉड उर्मिला। और फिर है ना सैफ अली खान आएगा और वो बोलेगा कि वाओ उर्मिला बहन हमारे बाथरूम में नहाने को आई, वाओ हमारे बाथरूम का तो नसीब खुल गया, वाओ वाओ अन्ना भाई वाओ, इसका सैफ अली खान मैं हूँ, वाओ वाओ। हाँ बच गया मैं। चलिए उर्मिला महिली नहा लीजिए, भारती इन्हें बाथरूम दिखा दे। हाँ बराबर, चलिए आओ जो। सुनना क्या, बाथरूम जाते समय भी आओ जो बोलती है ये। प्रभाकर चाय क्या पी रहा है? रख, केशव को जाके बोल के मैं आज दुकान पे नहीं आने वाला हूँ, महेंद्र भाव ने अपनी दुकान बंद रखी है तो मैं भी उनको कंपनी देने के लिए यहीं पे रहता हूँ। जा जा दुकान पे जा। अपनी दुकान अभी तुझे तो मैं चप्पल ही बचाएंगे ना, तुझे कौन बचाएगा? नहीं मोटा भाई, सोने की है क्या चप्पल? उज्ज्वला जरा देखना किसका फोन है। वो ही है जो आपको देखने के लिए बेकरार हो रहा है, अभिषेक काका। आप जिस नंबर पे संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। ए चिमनी, तू वहाँ क्या कर रही है? वो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था इसलिए गायत्री काकी से मिलने आ गई। अच्छा तू काकी को फोन दे। लक्ष्मण ने खींची लक्ष्मण रेखा, उसे लागने की भूल कर बैठी सीता मैया और रावण उन्हें उठा कर ले गया। क्या काम है आपको? वो मैं गायत्री को बताऊंगा, तू फोन देना काकी को। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में संयम की लक्ष्मण रेखा को लांघने की भूल करता है। ओ अन्ना की जासूस, अन्ना ने लक्ष्मण रेखा खींच के हमारे मिलने पे बंदी लगाई है, फोन पे बात करने के लिए नहीं। काका मैं तो अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, वो परीक्षा आ रही है ना। मेरी परीक्षा हो रही है यहाँ पे, एक छत के नीचे होके भी गायत्री से मिल नहीं पा रहा हूँ। काकी काका आपसे मिलना चाहते हैं, अन्ना को पता चल गया तो? तू काकी को फोन देना। बोलो अभिषेक क्या काम है, क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान? अभी हमारी शादी भी नहीं हुई और मेरा फोन तुम्हें परेशान करने लगा। सुनो ना गायत्री, मुझे मिलना है तुम्हें। अभिषेक अंकल ने ना कहा है ना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती मैं। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें आज्ञा देता है, किचन के पीछे एक रास्ता है वहां से निकलो, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। नो 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 अभिषेक, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, तुम फोन रखो। फोन कट कर दिया। सीता मैया को पता था कि अगर वो लक्ष्मण रेखा को तोड़ेंगी तो रावण उन्हें उठा कर ले जाएगा। बाय बाय, बाहर जाके पढ़ चल। बता यहाँ पे। नमस्ते। सही है? गलत है, सब गलत है। गलत है? पर बिना सुने तू कैसे कह सकता है मेरा गाना गलत है? अब गाना लिख रहे हो? हाँ। वाह प्रभाकर दादा वाह, यहाँ मैं आपकी चिंता में मरा जा रहा हूँ और अब मस्त पैकी गाना लिख रहे हो। सब गलत हो रहा है घर में, सब गलत हो रहा है। तो मेरी चिंता और घर में सब गलत हो रहा है, एक कैसे हुए केशव? क्योंकि घर में जो गलत हो रहा है ना उसकी वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। लेकिन घर में गलत क्या हो रहा है? अरे महेंद्र भाऊ अपने परिवार के साथ अपने वाड़े में रहने आए ना प्रभाकर दादा, उस बात को गलत बोल रहा हूँ मैं। नखरे कितने गुजरातियों के, एक तो अपने वाड़े में ऑलरेडी हम लोग इतने, ऊपर से ये तीन और आ गए, और घर में बाथरूम कितने, एक। तो
एक बाथरूम और मुझे नुकसान होगा, एक कैसे हुए? मैं तो मस्त मोरी में नहाया आज, कोई तकलीफ नहीं है। अरे प्रभाकर दादा, कालत कैसे ना आए? अभी आप ही ने नहीं क्या बताया मुझे कि अन्ना के हाथ में महेंद्र भाऊ का चप्पल आ गया? हाँ वो। अभी आप मुझे बताओ, अन्ना तो रोज गुस्सा होते हैं। हाँ। लेकिन आज तक उनके हाथ में किसी का चप्पल आया नहीं। क्यों नहीं आया? मैं आपका छोटा भाई, मैं सबके चप्पल छुपा देता हूँ। सिर्फ चप्पल नहीं, लाठी, डंडा, बेल्ट, बाल्टी, लोटा, ये सब छुपा देता हूँ मैं। हाँ। आपका गाना शुरू करो उससे पहले। लेकिन आज अन्ना के हाथ में महेंद्र भाऊ का चप्पल आया कि नहीं आया? हाँ, अगर वो चप्पल अन्ना आपको फेंक के मारते तो आपको तकलीफ होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? होती होती। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं प्रभाकर दादा, महेंद्र भाऊ के आने से सबसे ज्यादा तकलीफ और नुकसान आप ही को होगा, और उसी बात को लेके मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। सब मुझे नहीं पता था तू मेरे बारे में इतना सोचता है। बस बस बस, अब आप भी सोचिए अपने बारे में प्रभाकर दादा, सोचिए कि आप महेंद्र भाऊ एंड फैमिली को घर से कैसे भगाएंगे, सोचिए। उर्मिला मिनी, ये है हमारा बाथरूम। हाँ, थोड़ा सा सादा सीधा है। अरे बापरे, इतना बड़ा बाथरूम? इतने बड़े तो घर होते हैं मुंबई में लोगों के, वो भी बाथरूम के साथ। ये नहाने का पाटला, ये ड्रम है और ये नल है जिसपे पानी आता है कभी कभी। कभी कभी मतलब? पानी की कटौती चल रही है ना, लेकिन ये दो ड्रम भर कर पानी है। दो ही ड्रम भर के पानी है? ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। पर नहाने का कैसे? टम्बलर बिम्बलर का रिवाज नहीं है आपके यहाँ? क्या फिर ऐसे मुंह में पानी भर के फुहारा करके नहाते हैं सब लोग? अरे भाई, टम्बलर किधर गया? लगता है केशव बहू जी दाढ़ी करने के लिए लेके गए होंगे। मैं निर्मिति को पूछती हूँ। निर्मिति! अरे जरा समझाओ अपनी बहू को, कितना चिल्लाती है। हाँ, वो गुजराती लोग क्या सोचेंगे कि मराठी लोग चिल्लाते हैं? मजबूत है, आप टेंशन मत लो ने, मैं बुलाती हूँ। देखो अभी सब मंगवाती हूँ एक झटके में, टम्बलर, शैम्पू, साबुन सब। ए महेंद्र! ए महेंद्र! अभी परेशान मत हो ना, ये गुजराती लोग तो भारती से भी ज्यादा चिल्लाते हैं। क्या हुआ उर्मिला? हाँ महेंद्र, जरा मेरा साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट और बाथरूम धोने का ब्रश लेके आओ ना। आप बाथरूम धोने के ब्रश से नहाते? नहीं नहीं लीलावती बहन, क्या आप भी, मुझे ना आदत है ऐसा नहाने के बाद मैं पूरा बाथरूम ऐसा घिस घिस के साफ कर डालती हूँ एकदम चकाचक। फटाफट नहा के बाहर निकलना, अपने घर की तरह दो घंटे मत लगाना। तो क्या ये अपना घर नहीं है? हैं? अन्ना भाई ने बोला ना कि अपना घर समझ के ही रहना है कि नहीं आरती बेन? हाँ हाँ, आपका ही घर है तो? अन्ना ने कहा है ना आप आराम से नहाइए। बोले बाप रे, एक घंटा हो गया उर्मिला बहन को बाथरूम में गए हुए। हाँ आ रही है वो, 10 मिनट में बाहर आ रही है। क्या आ रही है? मुझे नहा भी के पूजा करनी है। थोड़ी देर रुकिए ना। मैं रुक सकता हूँ? भगवान तो नहीं ना रुक सकते, उनको बोलो भगवान के लिए ही सही आ जाए बाहर। बोला था मैंने रोकने की जिद मत करो, जिद मत करो, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? अभी आंखें मत दिखाओ, जल्दी से बाथरूम खाली करवाओ बस। उर्मिला वैनी, कितना टाइम? एक ही टाइम नहाती हूँ मैं भगवती बहन। भगवती नहीं भारती। हाँ भैया सेम अवे, आपके अमिताभ बच्चन है जो मैं आवाज से पहचान लूंगी है। भारती ने भगवती बदू सेम अवे, ती तो आता है ना छेले। हाँ आया आया, अब आप आ जाइए बाहर। हाँ हाँ अवे, बोला ने 10 मिनट में बाहर आ रही हूँ। अरे भारती, कितना टाइम है उन्हें अभी बाहर आने में?
अब ये किस बात का इशारा है? दस दस मिनट बोला है उर्मिला वहिनी ने। क्या अभी और 10 मिनट? अरे वहां तेरे ससुर जी चिल्ला रहे हैं, जोत्सना ना बोला था ना इन्हें रोकने को, अब उन्हें क्या बोलू मैं? बोल दीजिए, मैं तो घर में रुकने का आग्रह किया था, अभी ये बाथरूम में जाके रुक गई, उसमें मैं क्या करूं? तू क्या कटी उंगली पे मिर्ची पाउडर डाल रही है? जा उन्हें एक कप और चाय पिला दे, थोड़ा शांत तो रहेंगे, तब तक मैं उनके नहाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हाँ, बराबर।